बहन दोस्तों, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे समटाइम्स जब आप इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं और ब्राउज़र पे जब आप कोई साइट ओपन करते हैं तो वो साइट ओपन नहीं होती और ये AW स्नैप इस तरह का कुछ एरर आ जाता है। और आप दो तीन बार भी अब इसको ट्राई करेंगे तो ये मतलब बार बार यही रिपीट होता रहता है और न्यू साइट जो आप ओपन करना चाहते हैं वो ओपन नहीं हो पाती। तो इसके आज हम पॉसिबल सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे, तो चलिए चलते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपने ब्राउज़र को ओपन करें और ब्राउज़र ओपन करने के बाद थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सेटिंग्स होंगी, सेटिंग्स पे क्लिक कर लें। सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है और इसके बाद आप इसमें क्लियर ब्राउजिंग डेटा में क्लिक करेंगे। यहाँ पे जाके आप ऑल टाइम इसको सेलेक्ट कर लें और इसको क्लियर डेटा कर लें। ये सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही होगा इसका कि आप ब्राउजिंग का डेटा सारा क्लियर कर दें। उसके बाद फिर अब आपको इसमें सिस्टम्स में जाना होगा। सिस्टम में जाएंगे, सिस्टम पे क्लिक करेंगे दोस्तों। इसके बाद इसमें कंटिन्यू रनिंग बैकग्राउंड एप्स व्हेन रनिंग गूगल क्रोम इज क्लोज्ड, इसको तो आप डिसेबल कर दें। साथ ही एक्सेलरेशन भी आप इसको डिसेबल कर दें। दोस्तों क्या होता है, जब आप क्रोम बंद कर देते हैं तब भी उसके बाद भी इसकी सर्विसेज या ये जो है बैकग्राउंड में स्टार्टअप के अंदर उसमें टास्क मैनेजर के अंदर सर्विसेज में आपको रन होता दिख जाएगा, तो ये बंद नहीं हो पाता। तो इसको आप को दोनों को बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इसके आगे कुछ कर पाएंगे। जब ये आप ये दोनों चीज़ें कर देते हैं, इसके बाद एक बार आप चेक करें अबाउट क्रोम के अंदर आपका क्रोम का जो जो वर्जन है ये लेटेस्ट अपडेटेड है या नहीं है, तो ये आप ज़रूर चेक कर लें इसको। ये तीनों चीज़ें आप करने के बाद आप इसके बाद इसको क्रोम को बंद कर दें। और क्रोम को बंद करने के बाद आप क्रोम पर राइट क्लिक करें, प्रॉपर्टीज में जाएं और यहाँ पे आपको दिख जाएगा कंपैटिबिलिटी। कंपैटिबिलिटी दोस्तों, ये आपको इसमें जो ये कंपैटिबिलिटी मोड है इसको एक बार रन करना होगा कंपैटिबिलिटी मोड में। और इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा विंडोज 8। जो भी आपका एक्चुअली होता क्या है कि विंडोज 7 और विंडोज 10 जो है मेजर रिलीज रही है इसकी माइक्रोसॉफ्ट की, लेकिन जो विंडोज 8 है वो ज़्यादा नहीं चली और एक विस्टा नहीं चली। तो अगर आप 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप विस्टा को एक बार रन करके देख लीजिए, कंपैटिबिलिटी और मोड ऑन कर लें। और अगर आप विंडोज 10 यूज़ कर रहे हैं तो विंडोज 8 को एक बार ऑन कर लें, विंडोज 8 पे कंपैटिबिलिटी मोड ऑन कर लें। इसको आप कर लेंगे एक बार तो उसके बाद आपको शॉर्टकट में जाना है, जो शॉर्टकट ये टैब बनी हुई है, और यहाँ पे इसमें टारगेट में आपको लिखना है डैश डैश नो डैश सैंडबॉक्स। ये दोस्तों सैंडबॉक्स को बेसिकली इसको बंद करने का रीज़न ही होता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे आप कोई साइट ओपन करना चाह रहे हैं नहीं हो पाती, जो क्रोम ब्राउज़र की जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है वो कई बार सर्टिफिकेट्स इसको अलाउ नहीं हो पाते किसी वेबसाइट को ओपन करने के लिए। तो वो जो सैंडबॉक्स होता है वो आप कुछ देर के लिए इसको सैंडबॉक्स की जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है क्रोम का उसको आप बंद कर देंगे। तो ये इसके पॉसिबल सॉल्यूशन होते हैं कि आपकी जो कंपैटिबिलिटी या सर्टिफिकेट्स की जो दिक्कत आ रही होती है वो आपकी ठीक हो जाएगी उसके बाद। तो इसको आपको एक बार सैंडबॉक्स पे क्लिक करके अप्लाई ओके करना होगा। और क्योंकि ये अब मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये सिक्योरिटी मैकेनिज्म होता है क्रोम का, तो आपको ये जब आपका साइट ओपन हो जाती है उसके बाद आपको फिर दोबारा से ये यहाँ से हटाकर इसको इसको सेलेक्ट करके आपको इसको डिलीट करना होगा यहाँ से और अप्लाई ओके करना होगा, क्योंकि ये सैंडबॉक्स ओपन क्लोज नहीं रहना चाहिए, सिक्योरिटी मैकेनिज्म है क्योंकि। और हो सकता है आपको कोई पेमेंट वगैरह करनी पड़ जाए या आप कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ वैसे काम करते हो कंप्यूटर पे, तो वो फिर दिक्कत हो सकती है आगे उसमें। दोस्तों इतना सब कुछ करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो इसके बाद आप क्या करेंगे, स्टार्ट पे जाएं, रन पे जाके स्टार्ट पे जाएं, MS कॉन्फिग टाइप करें, इसमें ओके करें। इसमें आप सर्विसेज में चले जाएं, सर्विसेज में जो आपको ये दिखाई दे रही है सारी सर्विसेज इसमें से हम हाइड कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट की सर्विसेज। और ये जो सर्विसेज बाकी बची रह जाएंगी इसमें से बेसिकली हमें गूगल या क्रोम की जो सर्विसेज हैं उनको हमें स्टॉप करना है, उनको आप यहाँ पे स्टॉप कर देंगे सेलेक्ट करके, ऐसे इस तरह से स्टेप करके स्टॉप कर देंगे इनको, सभी को स्टॉप कर दें और एक बार सिस्टम को रीस्टार्ट कर लें। और उसके बाद दोबारा से आप इसको जाके रन पे जाके और MS कॉन्फिग को दोबारा करें और सर्विसेज पे जाके इसको हाइड करें और इन सारी सर्विसेज को जिनको हमें डिसेबल किया था उसको दोबारा से इनेबल कर दें। इन सब को इनेबल करने के बाद
आप दोस्तों अगर ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती है तो इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, इसमें क्रोम ओपन करें, क्रोम की सेटिंग में जाएं, क्रोम में आप थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस नजर आएगा, मैनेज एक्सटेंशंस में जाएं। इसमें अगर आपने कोई रिसेंटली कोई एक्सटेंशन इंस्टॉल की है तो आप उसको एक बार बंद कर सकते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है आप इससे चेक कर सकते हैं इनेबल डिसेबल करके, और अगर इसी से लगता है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं यहाँ से। तो ये एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है इसमें, क्योंकि इन एक्सटेंशंस की वजह से भी दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा दोस्तों आप सेटिंग में जाएं और आप रीसेट भी कर सकते हैं क्रोम को अपने, और अपडेट भी करना चाहें अपडेट भी कर सकते हैं। अपडेट नीचे से यहाँ पे अबाउट में जाके आपको अपडेट पता चल जाएगा कि कौन सा वर्जन है आपका, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। अगर इन सब के बाद भी, परेशान होने के बाद भी अगर नहीं हो पा रहा है कुछ भी, तो आप इसको रीइंस्टॉल कर लें, ऐड रिमूव से जाके, कंट्रोल पैनल में जाके, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाके आप यहाँ से रिमूव करें इसको, क्रोम को, और दोबारा से रीइंस्टॉल कर लें। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं। और दोस्तों इसके अलावा जब आप ये अगर रीइंस्टॉल करने की नौबत आती है तो आप प्लीज़ इसको जब आप अनइंस्टॉल करेंगे और सिस्टम को रीस्टार्ट करने से पहले एक बार कैशे जरूर क्लियर कर लें, कंप्यूटर शट डाउन करें, और फिर दोबारा से ऑन होने के बाद ही क्रोम को इंस्टॉल करें। तो ये पॉसिबल सॉल्यूशन है दोस्तों, और इनसे आपको 110% आपको पॉसिबल सॉल्यूशंस जो हैं उनसे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कमेंट एंड लाइक भी कर सकते हैं। गुड बाय।